पठानकड़गढ़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब क्षेत्र में यह सूचना फैली कि एक महिला की चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। महिला के परिवार वालों ने उसके पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी तो सूचना पाकर पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया और क्राइम स्पॉट को सील किया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मृतक महिला का नाम रेशम, उम्र 28 वर्ष पता चली है और उसके पति नरेश पाल द्वारा उसकी हत्या की गई है। मृतक महिला के 3 साल के बच्चे ने मां की हत्या की घटना बताई और कहा कि पापा ने चाकू मारा है। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। थाना कटघर में सूरज नगर जो फलमंडी रोड है पीतल वस्ती क्षेत्र में, उसमें आज सुबह सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम रेशम रानी है, उसकी गाँव रहती थी, उस घर में उसकी शव मिला है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने भी संज्ञान लिया। जो मृतका है उसके परिजनों के द्वारा एक लिखित पहलू थाने पर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि उसका पति नरेश पाल सिंह, जो मूल रूप से मिलक मनकड़ा थाना बूढ़ा पांडे का रहने वाला है, उसने इसकी हत्या की है, क्योंकि उसके गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। निश्चित रूप से उसके घर में 2 बच्चे भी थे, उसकी 1-3 वर्षीय पुत्री और एक बेटा। जो परिजनों के द्वारा पति और उसके माता पिता और उसकी जो 2 बहनें हैं और उनके पति, उन सबके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये लोग निरंतर दहेज की मांग भी करते थे, तो ये दहेज हत्या और दहेज मृत्यु एवं हत्या दोनों ही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सब पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है। सर, 3 साल का उसका बच्चा जो कह रहा है कि पापा ने चाकू से मारा, क्या उसे आप लोग उसकी बात को भी योजना में सम्मिलित किया जाएगा। वो मौके पर था और उसके द्वारा ऐसा बताया गया।